नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दोपहर के फटाफट खबरों का। हिंद महासागर में गिरा चीन का सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च 5V का अवशेष, प्रदूषण बढ़ने का है खतरा। केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ाई में मदद के लिए 25 राज्यों के पंचायतों को दिया 8,933.8 करोड़ रुपए का अनुदान। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, आज खत्म होगा मुख्यमंत्री पर सस्पेंस, हेमंत विश्व शर्मा को मिल सकती है जिम्मेदारी। कोरोना को हराएगी DRDO की नई दवा 2-DOXY-D-GLUCOSE, 2DG नाम से विकसित इस दवा को दी गई है मंजूरी। कोरोना के कारण विदेशी व्यापार प्रभावित ना हो, इसके लिए CBIC ने जून अंत तक बिना बॉन्ड भरे आयात निर्यात की इजाजत दी, कारोबारियों को मिलेगी राहत। मिजोरम में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.7 थी तीव्रता। स्टार्टअप कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए लागू हुए नए मानक, पूंजी जुटाने में मिलेगी सुविधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से राज्य में COVID-19 की स्थिति पर बातचीत कर जायजा लिया। यूपी के बलिया में बोले BJP विधायक सुरेंद्र सिंह, गौमूत्र और हल्दी को घी में भूनकर खाने से कोरोना से लड़ने में मिलेगी मदद। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हो सकती है। यूपी में फिर बढ़ा लॉकडाउन, अब 17 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। योगी सरकार ने निराधार साबित की नीति आयोग की आशंका, नीति आयोग ने यूपी में 30 अप्रैल के बाद रोजाना 1 लाख कोरोना केस मिलने की जताई थी आशंका। उधर अंबेडकर नगर में प्रधान पद के लिए 7 गांव में शुरू हुआ मतदान, मतदाताओं में दिखा उत्साह। बिहार में राजद के विधायक बोले, लालू तेजस्वी को मैं नहीं जानता, मैं शहाबुद्दीन का समर्थक हूँ। बिहार के बांका सदर अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट, तैयारी हुई पूरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मानी CTI से जुड़े व्यापारियों की बात, दिल्ली में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। उधर ग्रेटर क्लास में 78 साल की बुजुर्ग महिला के 2-2 जवान बेटों की कोरोना से गई जान, बुजुर्ग महिला भी कोरोना से है संक्रमित, रिश्तेदार और पड़ोसियों ने बनाई दूरी तो दिल्ली पुलिस के जवानों ने दोनों का किया अंतिम संस्कार। नवजोत सिंह सिद्धू फिर हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आक्रामक, सीएम का वीडियो शेयर कर साधा निशाना। चंडीगढ़ के शशि शंकर तिवारी ने मांग किया है कि यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों को बंद ना करे रेलवे। हरियाणा के गांव में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घर घर जाकर कोरोना मरीजों को तलाशने में 8,000 टीमें जुटी। वहीं हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रंजीत सिंह ने कहा कि 6,000 ऐसे कैदियों की रिहाई पर विचार चल रहा है जो विचाराधीन हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठकराल पर हुए फायरिंग में बाल बाल बचे विधायक। उधर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो देहरादून में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश, अवकाश के दिन भी स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यालय रहेंगे खुले। वहीं शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए 280.28 करोड़ रुपए की मंजूरी भी की गई। हिमाचल प्रदेश में 379 जूनियर इंजीनियर और अन्य पदों के लिए अब 20 मई तक कर पाएंगे आवेदन। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट hpssb.hp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए इंग्लैंड जा सकते हैं सौरव गांगुली और अमित शाह के बेटे जैसा। अभिषेक बच्चन की फैन ने की अमिताभ बच्चन से तुलना, तो अभिषेक ने कहा, आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कोई भी उनसे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। तो ये थी मिडडे की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।